हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वामिक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हो गाइस वर्कआउट के लिए, एनर्जी के लिए आपको क्या लेना चाहिए जिससे आपको वर्कआउट करने में हेल्प करेगा और अच्छी एनर्जी मिलेगी और वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इफ आप सोचते हो मैं बताऊंगा प्री वर्कआउट ले लो जो 2000, 1500, 2500 तक का आता है, नहीं गाइस मैं ये नहीं बताने वाला। आपको तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मली जो फिटनेस रहना है और रेगुलर वर्कआउट जा रहे हो, आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो बहुत बेस्ट चीज बताने वाला हूँ, वो है चीज कॉफी। बहुत अच्छी है गाइस, बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ये चीज आपको पता होगी कि प्री वर्कआउट में कॉफी लेना है, आप लेते भी होंगे, बट आप इसको कितना लेना है, कैसे लेना है, अब मैं वो बताता हूँ। पहले बात करते हैं इसे कितना लेना चाहिए। लोगों को पता नहीं है और लोग दो दो डालते रहते हैं, दो पैकेट, पांच वाली पैकेट, दस वाली पैकेट, बड़ा पैकेट, एक स्कूप, और लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो कुछ बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ एक ही जो एक पैकेट है इसकी 2 रुपए का जो आता है एक पैकेट, वही उतना ही लेना है और उसको हल्का सा वार्म वाटर में मिलाना है और उसको पीना है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर बात करते हैं अभी इसको कब कब लेना है। लोग डेली लेने लग जाते हैं, उनको पता चल गया ये वीडियो के बाद देखिए डेली लेने लगे, ऐसा नहीं करना है। ये बार इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ इसे कि कब कब लेना है। आप जब हैवी वर्कआउट कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेजी फील हो रहा है, या आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो बहुत दिन के बाद आपको लेजी फील हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रहा है, तभी ही लेना इसे। उसको डेली मत लिया करो गाइस। डेली लेने से क्या होता है, इसमें कैफीन होता है, वो बॉडी में अडप हो जाता है। और जैसे मैं आज एक पैकेट ले रहा हूँ, एक महीने तक कंटिन्यू एक पैकेट लिया रहा था, उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा ना बॉडी के लिए वर्कआउट में मुझे हेल्प करेगा, समझ लो गाइस ऐसा होता है। इवन उसको आप ऑल्टरनेट डे लोगे, हफ्ते में 2 बार लोगे, महीने में 3-4 बार लोगे, तभी आपको बेनिफिट देगा और थोड़ा एनर्जी लगेगा। उसको क्या करते हैं गाइस मैं बता दो ना, आपको एक पैकेट से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं एनर्जी नहीं मिला, 2 पैकेट ले लेते हैं, फिर 3 पैकेट लेने जाते हैं। ये क्यों नहीं मिलते आपको बेनिफिट, इसलिए क्योंकि आप रेगुलर लेते हैं। कोई भी चीज आपको रेगुलर नहीं लेनी जिससे आपको बॉडी को नींद आने के लिए प्रॉब्लम हो जाए, या आपको रात में जा रहे सोने के लिए नींद नहीं आ रही क्योंकि कॉफी ले ली है, कभी प्री वर्कआउट ले ली है, इसलिए गाइस आपको एक ही से स्टार्ट करना है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अब बात करते हैं गाइस प्री वर्कआउट और इसमें कितना फर्क है, कितना बेनिफिट है। बस गाइस ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें कैफीन की लेवल थोड़ा कम होता है और प्री वर्कआउट पे कैफीन का लेवल ज्यादा होता है। लेकिन मैं तो आपको अब फिटनेस के लिए करे तो मैं प्री वर्कआउट आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। रीजन ये है, मैंने इसको लिया, मैंने ट्राई करता था प्री वर्कआउट, रात में मैं 6 बजे वर्कआउट जाता था, 6 बजे ले लेता था मैं, और वर्कआउट के लिए जाता था 6, 6:30, 7 बजे करता था वर्कआउट, तो रात में नींद नहीं आती थी 3-4 बजे तक गाइस, क्योंकि उसका लेवल एनर्जी कैफीन इतना होता है कि मुझे किक लगती है और 3-4 बजे तक नींद नहीं आती थी। इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ गाइस प्री वर्कआउट अवॉइड करो, और कैफीन लेना है कॉफी का वो भी ऑल्टरनेट डे लो, जब लेग्स वर्कआउट कर रहे हो या डेड लिफ्ट कर रहे हो तभी लो, और बाकी आप बाइसेप्स एब्स मारने जा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो तभी मत लो गाइस, कुछ फायदा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, और लोगों को पता चल जाए तो वो फॉलो करेंगे। इसके लिए ये वीडियो कैसा लगा गाइस प्लीज जरूर बताना, अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।